नमस्कार, आप देख रहे हैं केसीएन टीवी। मैं हूं मोनिता वर्मा। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। धनबाद जिले के जोरा पोखर थाना क्षेत्र के डुमरी 3 नंबर की रहने वाली हरिजन महिला पर दबंगों द्वारा अत्याचार करने का मामला सामने आया है। दबंगों ने एक गुट बनाकर महिला के घर पर धावा बोलकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया और निर्माणाधीन मकान को तोड़ दिया। दबंगों ने मकान की दीवार को गिरा दिया, विरोध करने पर मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया। महिला के बयान पर जोड़ा पोखर थाना में कांड संख्या 4/21 दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस घटना में भरत सिंह, राम प्रसाद, मंगल सिंह पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है, घटना की तहकीकात कर रही है। पीड़ित महिला ने केसीएन टीवी को बताया कि घटना के बाद सिंदरी डीएसपी अजीत कुमार सिन्हा जांच करने घटनास्थल पर पहुंचे, परंतु अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और धमकियां भी दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं पीड़ित महिला कांड अंकित होने के बाद दिखा रही हैं अपने आवेदन को। पुलिस ने उनका मामला दर्ज कर लिया है पर गिरफ्तारी नहीं होने से वह महिला काफ़ी परेशान नज़र आ रही है, क्योंकि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। आप देख रहे हैं केसीएन टीवी चैनल, आप बने रहें हमारे साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ। केसीएन टीवी चैनल एक चैनल ही नहीं, एक आंदोलन है। अब आइए हम सुनते हैं पीड़िता की कहानी, उसी की जुबानी। सुनीता देवी ने घटना के बारे में क्या कहा। मेरे साथ हम पुराना घर तोड़ के बना रहे थे, उसी बीच आके मारपीट करके गाली गलौज जाते सुचे करके दुकान चमारों को डालिए मुंह बनाएगा ऐसा करके गाली गलौज करके सब 40-50 जन आके भिड़ गया। कौन कौन थे उसमें? भरत सिंह, राम प्रसाद और जो मंगल सिंह, विश्वनाथ सिंह, कन्हैया, देवीलाल तोड़ रहा था। क्या उनका क्या कहना है? वो जबरदस्ती अपना जमीन का मुद्दा उठा दिया है, जबकि घर आज 40 साल पुराना है। उसमें पहले रहते थे आप लोग? हाँ, उसमें एक यूपी वाला आदमी रह रहा था, उसके बाद हम उसे खरीद के लिए। तो फिर क्या उन लोग को क्या कुछ हुआ? जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब हम बनाने लगे तो मेरे साथ ये लोग मैं जबरदस्ती पर और रंगदारी मांगने पर उतरे, 5 लाख दो, 3 लाख दो, तब तुमको हम बनाने देंगे। ये क्या आपके साथ मारपीट किया गया? जी। क्या कुछ बोला है? गाली गलौज मारा, दूसरा चमार करके तुम घर बनाएगी ढलैया घर, इस तरह बोलने लगा। क्या इसका लिखी शिकायत आप थाना में दिए? जी दिए, थाना में दिए। कौन थाना में दिए? जोरा पोखर थाना। क्या आश्वासन मिला थाना की ओर से? थाना वही तो कल डीएसपी सर को सुपरविजन के लिए दे दिए, आए सर भी डीएसपी सर, लेकिन कुछ अभी तक तो हुआ नहीं। वो तो घूमते रहता है चारों तरफ हाथ के साथ और आता है मेरा घर के चारों तरफ घूम के और हमको देख के टोलबाजी करता है कि तुम बहुत ही बनती है ना, तुमको बताते हैं। कौन बोलता है ये? यही राम प्रसाद। क्या कुछ मैंने उसको कारण क्या है कि जो आपसे वो विवाद कर, कुछ और भी पूर्व में आप लोगों के साथ विवाद है क्या? नहीं नहीं, और ये बस यही मैटर, घर ही बनाने का मैटर, आपको उससे कोई विवाद नहीं है हमसे। बस ये घर हम बनाने लगे और वो हमसे उलझ गया और रंगदारी मांगने के कारण, वो पैसा मांग रहा था, पैसा हम नहीं दिए तो उसका टाटा कंपनी और पूर्व मैंने नेतागिरी करके उसका पास केस मुकदमा उसके ऊपर चल रहा है और लेकिन सर प्रशासन उसको छानबीन करेगी तो क्रिमिनल है, ऐसे चलते वो हमको धमकी देता है, दादागिरी दिखाता है यहाँ का कि हम यहाँ करती हैं तो दो हमको 5 लाख, तब हम तुमको बनाने देंगे।
नहीं देने पे क्या करेगा आपको? नहीं देने पर मारपीट करने शुरू कर दिया और अब पता नहीं अब क्या करेगा, मार देगा कि क्या करेगा। हम लोग तो बाल बच्चे अकेले रहते हैं, हस्बैंड भी बाहर रहते हैं। धमकी भी मिल रही है क्या? हाँ, धमकी दे रही है। क्या बोला जाता है धमकी में? धमकी में बोलता है कि तुम पैसा दो नहीं तो फिर यहाँ से भगा देंगे, उजाड़ देंगे, हमको बोलता है उजाड़ देंगे। तो क्या इसकी शिकायत की है आप? जी थाना को हम इसका शिकायत किए लेकिन कुछ को प्रभाव नहीं देख रहे, वो तो घूमते रहता है, पता नहीं तो प्रभारी थाना प्रभारी क्यों नहीं ऐसा एक्शन ले रहे हैं। अगर किसी प्रकार से प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आगे क्या कुछ आपकी राय थी, क्या इस आगे क्या कुछ आप कदम उठाइएगा? आगे हम एसपी सर के पास जाएंगे। क्या नाम हुआ? सुनीता जी। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई और एक्सक्लूसिव खबर लेकर। केसीएन टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।